डियर मॉडर्न स्टार, यू विल राइट क्वेश्चन नंबर जे. ओके, ऑफ चैप्टर थर्ड, योर चैप्टर नेम इज वेदर एंड क्लाइमेट. ओके, यू हैव रिटेन ऑलरेडी मैनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर, सो टुडे यू विल राइट क्वेश्चन नंबर जे. व्हाट इज वेदर फॉरकास्ट, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, इट मीन्स वेदर फॉरकास्ट इन मौसम विभाग क्या है और इसका महत्व तो क्या है. सो राइट आंसर ऑफ दिस इज वेदर फॉरकास्ट इज द प्रेडिक्शन ऑफ वेदर कंडीशंस. वेदर फॉरकास्ट इज द प्रेडिक्शन ऑफ वेदर कंडीशन इशूड बाई द मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ आ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड बाई यूज वेरियस इंस्ट्रूमेंट एंड इमेजेस सेंट फ्रॉम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ, फुल स्टॉप. ओके, इट्स सिग्निफिकेंस, इतना लिखने के बाद आप डैश लगा देंगे. ओके, एंड नोट डाउन पॉइंट नंबर वन, कंडीशंस ऑफ वेदर. ओके, इट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन, इट मीन्स जे क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वेदर फॉरकास्ट क्या है. तो वेदर फॉरकास्ट जो एक डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग का एक डिपार्टमेंट है, जिसमें वेदर कंडीशन के बारे में रिकॉर्ड जो डाटा कलेक्ट किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के थ्रू, जो इमेजेस क्लिक की जाती हैं उसके थ्रू वेदर कंडीशन के बारे में प्रडिक्शन किया जाता है, पहले से बताया जाता है, भविष्यवाणी की जाती है. एंड नाउ यू विल राइट सिग्निफिकेंस ऑफ वेदर फॉरकास्ट. ओके, सो स्टूडेंट, सिग्निफिकेंस इज कंडीशंस ऑफ वेदर सच एज विंड डायरेक्शन, वेलोसिटी एंड क्लाउड कवर गाइड एयर ट्रैफिक. ओके, इट्स मीन्स यू हैव जस्ट रिटेन अबाउट व्हाट इज फॉर वेदर फॉरकास्ट. नाउ यू विल राइट इट्स सिग्निफिकेंस, इट मीन्स व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदर फॉरकास्ट. सो फर्स्ट पॉइंट, कंडीशंस ऑफ वेदर सच एज विंड डायरेक्शन कॉमा वेलोसिटी एंड क्लाउड कवर गाइड एयर ट्रैफिक. पॉइंट नंबर टू, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रीसिपिटेशन कंट्रोल द क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सीजन ऑफ अ रीजन, फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट, वेदर फॉरकास्ट आर टेकन इन टू कंसिडरेशन इन मिलिट्री ऑपरेशन, जोग्राफिकल एक्सपेडिशंस, स्पोर्ट्स इवेंट्स, फुल स्टॉप. ओके, इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट में बताया गया कि जो ये वेदर फॉरकास्ट है इसका महत्व तो क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है. तो कंडीशंस ऑफ वेदर सच है, ये वेदर की कंडीशंस को बताता है, चाहे विंड डायरेक्शन हो, वेलोसिटी हो, या क्लाउड कवर गाइड एरिया ट्रैफिक हो, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, तापमान के बारे में, ह्यूमिडिटी के, मॉइस्चर के बारे में, प्रीसिपिटेशन जो भी फॉलिंग होगी अर्थ पर उसके बारे में, एंड क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सीजन के बारे में. वेदर फॉरकास्ट आर टेकन इन टू कंसीडरेशन इन मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जोग्राफिकल एक्सपेडिशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, आंसर इज के द साइंटिस्ट स्टडी ऑफ द साइंटिफिक, सॉरी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर कंडीशंस इज कॉल्ड मेट्रियोलॉजी. ओके, मेट्रोलॉजी किसको कहते हैं, जो साइंटिफिक स्टडी होती है वेदर कंडीशन की उसको मेट्रियोलॉजी कहते हैं, फुल स्टॉप. साइंटिस्ट हु कलेक्ट वेदर डाटा बाई यूजिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड एंड प्रिपेयर वेदर रिपोर्ट्स आर नोन एज मेट्रियोलॉजिस्ट. ओके, क्वेश्चन में पूछा गया था मेट्रियोलॉजी क्या है और मेट्रियोलॉजिस्ट कौन है. तो साइंटिफिक स्टडी, वेदर कंडीशन की साइंटिफिक स्टडी को साइंटिफिक स्टडी करना उसको मेट्रियोलॉजी कहते हैं.
और वो साइंटिस्ट जो वेदर कंडीशंस के बारे में स्टडी करते हैं उनको मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एम। ओके, एक्सप्लेन हाउ द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ डे आर मेजर्ड। ओके, आप लोग क्वेश्चन नंबर आई नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ अ डे आर मेजर्ड। इट मीन्स मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो तापमान है वो कैसे मेजर होता है। सो यू विल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टार्ट राइटिंग आंसर नंबर एल। आंसर नंबर एल, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन टू टू टाइप्स स्केल्स। ओके, सेल्सियस एंड फॉरेन हीट। ओके, सेल्सियस एंड फॉरेन हीट। ओके, FAHREN, HEIT, फॉरेन हीट। फुल स्टॉप। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द सेल्सियस स्केल इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, फुल स्टॉप। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फॉरेन हीट स्केल। हीट स्केल इज 212 डिग्री F, F जिसको फॉरेन हीट कहते हैं एंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 32 डिग्री F। ओके, फॉरेन हीट। ओके, F मीन्स फॉरेन हीट, C मीन्स सेल्सियस। ओके, लिसन अगेन। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन टू टू टाइप्स स्केल, सेल्सियस एंड फॉरेन हीट। फुल स्टॉप। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द सेल्सियस, जब पानी बॉयल हो रहा होता है तो स्केल में वो 100 डिग्री सेल्सियस पे शो करता है, जब वो फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस। सो पॉइंट ऑफ वाटर इन द सेल्सियस स्केल इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। फुल स्टॉप। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द फॉरेन हीट स्केल इज 212 डिग्री फॉरेन हीट। एफ मीन्स फॉरेन हीट एंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 32 डिग्री फॉरेन हीट। ओके, सो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट जस्ट यू हैव रिटेन आंसर, दिस इज आंसर नंबर एल। ओके, ये जस्ट अभी मैंने आपको जो आंसर बताया ये आंसर नंबर एल है। ओके, उस क्वेश्चन उस आंसर में आप क्वेश्चन लिखेंगे, नेम टू स्केल्स इन विच टेम्परेचर इज मेजर्ड। ओके, स्टेट द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द स्केल्स। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एम। एक्सप्लेन हाउ द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ अ डे आर मेजर्ड। ओके, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स कैसे मेजर होता है। ओके, सो नोट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। से पहले आपने जो क्वेश्चन और आंसर लिखा था वो क्वेश्चन नंबर एल का आंसर था। ओके, दिस इज आंसर नंबर एम। ओके, एम का आंसर है। आंसर इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ अ डे आर रिकॉर्डेड बाय यूजिंग थर्मोमीटर्स इन अ मेट्रोलॉजिकल शेल्टर कॉल्ड द स्टीवेंशन स्क्रीन। कॉल्ड द स्टीवेंशन स्क्रीन, द मैक्सिमम टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड बिटवीन 1 PM एंड 3 PM। ओके, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक रिकॉर्ड होता है, 1 PM एंड 3 PM, वाइल मिनिमम टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड बिटवीन 4 AM एंड 6 AM। ओके, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बारे में पूछा जाता है कि ये टेम्परेचर्स कब रिकॉर्ड होते हैं और किसके थ्रू रिकॉर्ड होते हैं। ओके, सो
स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ अ डे आर रिकॉर्डेड बाई यूजिंग थर्मोमीटर्स इन अ मेट्रोलॉजिकल शेल्टर कॉल्ड द स्टीवेंशन स्क्रीन. द मैक्सिमम टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड बिटवीन 1 PM से लेकर के 3 PM तक रिकॉर्ड होता है और मिनिमम टेम्परेचर 4 AM से लेकर के 6 AM तक रिकॉर्ड होता है. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, दिस इज आंसर जस्ट आई हैव डिक्टेटेड एल. ये आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर एल का है. और क्वेश्चन नंबर एल क्या है आपका, वॉच नेम द टू स्केल्स इन विच टेम्परेचर इज मेजर्ड स्टेट द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ वॉटर इन ईच ऑफ द स्केल्स. ओके स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे.